राम राम सारे भाई है ने। आज हमारे 75 आवर चैलेंज है 152वां दिन। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर लीटर गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होकर मैं चल दिया वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने 10 मिनट पीटी करके सुबह भी मैंने किया वार्म अप, फिर मैंने मारी 100 डंड, उसके बाद फिर 100 मारी मैंने गुटमा, फिर मैंने मारी बीम, उसके बाद फिर एक वर्कआउट किया फोर आर्म्स का, उसके बाद फिर 150 सपाटे मार के मैंने आज का मॉर्निंग का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना आकर फिर मैं गया कॉलेज में, उसके बाद फिर कॉलेज से घर आने के बाद फिर मैंने किया कॉलेज का काम, उसके बाद फिर अपने घर के जरूरी काम कंप्लीट करके फिर जल्दी अपने शाम का वर्कआउट होने के लिए छत पर। सबसे पहले मैंने 10 मिनट पीटी करके उसके बाद फिर मैंने किया वार्म अप, उसके बाद फिर मैंने की 15 से 20 मिनट छत पर रनिंग, फिर मैंने मारी स्प्रिंट, उसके बाद फिर मैंने किया एब्स का वर्कआउट। सबसे पहले मैंने किया क्रंचेज एब्स वर्कआउट बर रेपिटेशन के 4 सेट, फिर मैंने किया लेग रेजिस एब्स वर्कआउट बर रेपिटेशन के 5 सेट, उसके बाद फिर मैंने किया एडी टच एब्स वर्कआउट बर रेपिटेशन के 4 सेट, फिर मैंने किया क्रॉस बॉडी क्रंचेज एब्स वर्कआउट बर रेपिटेशन के 5 सेट, उसके बाद फिर स्पाटे मार के मैंने आज का शाम का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना खाकर फिर मैंने पढ़ी गीता। आज हमने गीता में सीखा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संगत से इंसान के स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कीकई श्री राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। उसके बाद भी मैंने किया पानी का टास्क कम्प्लीट। यह रही आज की सेल्फी, आज के हमारे सभी टास्क कम्प्लीट। बोलो जय श्री राम।